Hello students, as you know that your past different tense is going on in the class, so these are some rules which you have to follow. So ये past different tense होता है, इसकी identity जो होती है, पहचान वो क्या होती है, सबसे पहले आप इसे समझिए. जो हिंदी के आपके जो sentences होते हैं उनके जो last में था आएगा, कभी थे आएगा या कभी थी आएगा, जैसा केस हो, या फिर या आएगा या ये आएगा या ई आएगा, या में बड़ी कमाल, कभी बड़ी ई आता है. और कभी ऐसा होता है बच्चों कि इनमें से कोई भी वर्ड नहीं आता, और वहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि वहाँ पर है शब्द नहीं हो. अगर है नहीं है दिया हो, या है नहीं दिया हो, या हूँ नहीं दिया हो, ये तीन चीज नहीं दी, ये ना हो, ठीक है, तब भी वो पास्ट डेफिनेट टेंस होता है. बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि ये वो सोच लेते हैं कि ये वर्ड है, जब सेंटेंस के लास्ट में यही वर्ड आएंगे तभी पास्ट डेफिनेट होगा. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ये वर्ड आएंगे साथ लास्ट में जो ये लेटर्स लिखे ये तो आएंगे. अगर मान लो ये नहीं आए और है हूँ ये भी नहीं, तब भी आपका क्या है, वो पास्ट डेफिनेट टेंस में ही काउंट किया जाता है. इस बात का ध्यान रखिए. तो हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में था, थे, थी, या, ये, ई, ई आदि शब्द आते हैं. अब रूल्स देखिए, जो अफर्मेटिव रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती प्लस अदर वर्ड्स होते हैं, तो ये आपका अफर्मेटिव रूल बना. जैसे राम वेंट गया, राम वा गया, तो वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. दूसरा सेंटेंस देखो, ये आपका नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. तो डिड आ गया नेगेटिव के लिए और नॉट लगा, प्लस हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए वर्ब जो आएगी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. अब एक चीज़ है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर डू डज आ रहा था, तो उसके बाद भी वर्ब पर फर्स्ट फॉर्म आती है. अब पास्ट इंडेफिनिट जब डिड होता है तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस अदर वर्ड्स. अब जब सेंटेंस में कभी कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, इस बात का ध्यान रखो, एक तो नहीं होगा दूसरा कभी नहीं हो, तो कभी नहीं जब होता तो उसके लिए इंग्लिश में नेवर शब्द का यूज करते हैं. तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस. अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जो वर्ब होती है यहाँ तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इतनी बात तो क्लियर होगी. अब यहाँ पर जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आपके हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होगी प्लस क्वेश्चन वर्ड्स होंगे अलग अदर वर्ड्स होंगे. जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स आएगा, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा. फिर जो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं जैसे वाई वैन वेयर हाउ, इनसे जो चालू होते हैं तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स आते हैं, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. तो ये आपके सब रूल है, तो ये आपकी पहचान होगी. तो ये जो चीज मैंने आपको बता दी ये तो आपकी पहचान होगी कि हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में था थे थी या फिर ऑब्लिक या ये ही या बड़ी यहाँ पर आदि शब्द आते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स की अफर्मेटिव रूल हुआ, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड्स ये नेगेटिव रूल हुआ. फिर ये आपका नेगेटिव में दूसरा नेवर वाला हो गया आपका. फिर ये आपका इंट्रोगेटिव हुआ जब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया. और क्वेश्चन वर्ड होते हैं व्हाई व्हेन वेयर हाउ, ये सबसे पहले आएंगे क्वेश्चन वर्ड होंगे. जब ये बीच में शब्द आते हैं तब, जब बीच में आएंगे तभी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होंगे प्लस डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस डिड प्लस वर्ब की प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, तो ये ध्यान रखिएगा. तो ये रूल पूरे आप तैयार कर लीजिएगा.
ठीक है, अब आप छोटे नहीं, अब आप बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इनको तैयार करो। और ये बेस होता है, चाहे छोटा क्लास हो या बड़ा क्लास, सबके लिए ये चीज़ बेस होती है, इनको पढ़िए तभी आप टेंस क्लियर कर पाए। थैंक्स फॉर टुडे।